भगत कबीर जी समझाते हैं, ये आखण औखा साचा नाव कितना औखा है और क्या करने से सौखा हो जाएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं धुनी में से धुन उठी, ये तो बहुत मेहनत से हो गया। जब मन को संकुचित किया, गुरु की कृपा हुई, ध्यान धुन से जुड़ गया। पर अब इस धुन को पलटा कर वापस धुनी पर ले जाना, ये ऐसे है मानो गंगा जहां से उत्पन्न हुई, गंगा को पलटा कर वहीं पर ले जाना। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना। कहने लगे ये ऐसे ही है जैसे जहां से गंगा उत्पन्न हुई उसे पलटा कर फिर वहीं लेकर जाना, कितना कठिन है उतना ही कठिन ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते हैं संतों की संगत से, नाम जपने वालों की संगत से मेरा ये काम बन गया। मैंने गंगा को पलटा कर जमुना में मिला दिया, सरस्वती में मिला दिया, अपने भीतर, मेरे भीतर त्रिवेणी प्रकट हो गई जहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है, भगत कबीर जी लिख रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज से प्रमाणित कर रहे हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज करके कि मेरे भीतर पवित्रता आ गई, भाव संगम बन गया गंगा जमुना सरस्वती का, पलटा दिया मैंने तीनों नदियां, इनका संगम बना दिया अपने भीतर, अब मैं स्नान कर रहा हूँ उसमें बिना जल के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना जल के उसमें स्नान कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, भगत कबीर जी कह रहे हैं। श्रवण कीजिए। उल्टी गंगा जमन मिलावो, उल्टी गंगा जमन मिलावो, बिन जल संगम मन में नहावो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कह रहे हैं मेरा मन इतना पवित्र हो गया, इतना एकाग्रचित हो गया, विश्राम में आ गया कि अब मेरे भीतर ही त्रिवेणी प्रकट हो गई है, भाव मेरे भीतर ही इतनी पवित्रता आ गई है कि मैं बिना जल के उसमें अपने मन का स्नान करवाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ मेरा मन पवित्र हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।